सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का आज की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पोषण माह जो है वो 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आयोजित की जाती है। तो कल से यानी 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि जो विषय है उसकी लिस्ट तैयार हो चुकी है, किस विषय के अनुसार कौन सा गतिविधि करना है वो सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है। तो इस कार्यक्रम को भारत के सभी राज्यों में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका महिला बाल पर्यवेक्षिका बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं ICDS के तमाम जो अधिकारी हैं उन सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम को पूरा किया जाएगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो में इस पेपर कटिंग के माध्यम से सारी चीज़ों को समझते हैं कि किस प्रकार से इस बार जो पोषण माह आयोजित किया जाने वाला है उसमें कौन से विषय पे कौन सी गतिविधियों को ऐड करना है और कैसे हमें पोषण माह को संपन्न करना है, सारी चीज़ों को हम लोग इस पेपर कटिंग के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, देखिए 27 अगस्त को क्या है कि यहाँ पे इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए इसकी जो लिस्टिंग है वो तैयार हो चुकी है, यानी कि टोटल आप लोगों को 6 विषय दिए जाएंगे। 6 विषयों में आप लोगों को कौन कौन सी गतिविधियों को ऐड करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, देखिए लिखा गया है 1 सितंबर से शुरू पोषण माह 6 विषयों पर होगा केंद्रित, यानी कि टोटल आप लोगों को इस बार जो पोषण माह आयोजित होने वाला है वो 6 विषयों पर होगा। लिखा गया है 1 से लेकर 30 सितंबर तक पोषण माह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान बच्चों, गर्भवती महिलाएँ, किशोरियों और समुदाय के अन्य सदस्यों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण माह के लिए 6 विषयों को तैयार किया है, जिसमें कि आप लोगों को पहला विषय रहने वाला है एनीमिया, दूसरा वृद्धि निगरानी, तीसरा अनुपूरक आहार, चौथा पोषण भी पढ़ाई भी, पांचवा सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि एवं पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का उपयोग, और छठा पोषण संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम शामिल है। यानी कि इन विषयों पर जो है कि आप लोगों को पोषण माह अभियान को आयोजित करना है। ठीक है, ICDS निदेशालय ने पूरे माह तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों पर जागरूकता अभियान चला रहा है। पूरे माह का कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीना की देखरेख में संपन्न होगा। ICDS के निदेशक कौशल किशोर ने बताया कि एनीमिया के प्रति जागरूकता घर घर की जाएगी, इससे गर्भवती महिलाओं, नवजात और किशोरियों को एनीमिया से बचाव के लिए परामर्श दिया जाएगा। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, महिला पर्यवेक्षिका, महिला एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि माह 2023 के तहत आप लोगों ने जो गतिविधियां की थी उसमें 7.78 करोड़ जो गतिविधियां है वो पोषण माह के जन आंदोलन डैशबोर्ड पे अपलोड की गई थी, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा नियम चेंज हो चुका है। 3 दिन पीछे का ही आप लोग गतिविधि को ऐड कर सकते हैं। क्या था कि 10 दिन 15 दिन का जो गतिविधि था उसको डेट सेट करके हम लोग गतिविधि को ऐड कर ले रहे थे, लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा सा नियम चेंज हो चुका है। अगर आप लोग पर डे जो गतिविधि है वो नहीं करते हैं तो आप लोगों को आगे चल के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि आप लोगों को ज्यादा टारगेट दिया जाए कि आप लोगों को एक दिन में इतना इतना जो है आप लोगों को गतिविधि ऐड करनी होगी। एक दिन की जो गतिविधि आप लोगों को ऐड करनी है वो कम से कम 5 गतिविधि को ऐड करना है फिलहाल अभी, जैसे कि 1 तारीख को 5 गतिविधि, 2 तारीख को 5 गतिविधि, ऐसे करते करते आप लोगों को हर रोज 5 गतिविधि ऐड करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन गतिविधियों की जो सूची है वो तैयार हो चुकी है। ये जो 6 विषय रहने वाले हैं इन 6 विषयों में कौन कौन सी गतिविधियाँ शामिल है यहाँ पे देखिएगा, लिखा गया है हाथ की धुलाई, व्यायाम, योगा, पौधारोपण, किशोरियों के लिए पोषण शिक्षा, रेडियो गतिविधि, समुदाय आधारित गतिविधि जैसे कि गुदभराई, अनपराशन, बाल्यावस्था देखभाल, साइकिल रैली आदि शामिल हैं। तो यदि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।